वेलकम गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुकेयर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है थंडाई। थंडाई द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांतों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे तथा उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रयोगों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि थंडाई कहाँ के वैज्ञानिक थे। दोस्तों थंडाई अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था UPTET CTET में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उनके कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, उनको मैंने विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या उन्होंने दिया था। थंडाई द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, जिन्हें हम सच्चर्यवाद तथा विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम देख सकते हैं। थंडाई ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था दोस्तों? 1898 में उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अपने PhD शोध प्रबंधन सिद्धांत, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि उनकी एक पुस्तक भी है। इसी में उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये किससे रिलेटेड था दोस्तों? पशुओं के व्यवहार से संबंधित है ये। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थंडाई द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और किसके नामों से जाना जाता है दोस्तों? आइए हम लोग देख लेते हैं। उसके कुछ उपनाम है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं दोस्तों, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत दोस्तों, और SR थ्योरी कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थंडाई ने किस जंतु पर प्रयोग किया था दोस्तों? भूखी बिल्ली पर थंडाई ने अपना प्रयोग किया था दोस्तों। थंडाई द्वारा किया गया प्रयोग किस पर था? भूखी बिल्ली पर किया गया था। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। सिद्धांत के अनुसार थंडाई ने सीखने के नियम दिए हैं जो कि दो भागों में विभक्त है, यानी उनके नियम को दो भागों में विभक्त किया गया था दोस्तों। उन्होंने खुद उस नियम को दो भागों में बांटा था दोस्तों। पहला कौन सा नियम था? पहला था मुख्य नियम, दूसरा था गौण नियम। आइए हम उनके पहले मुख्य नियम को देख लेते हैं, फिर हम गौण नियम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए थंडाई के मुख्य नियम क्या थे? पहला मुख्य नियम उनका था तत्परता का नियम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है तथा अध्ययन ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायक होती है। चलिए आइए आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसको इच्छा ना हो। इसी प्रकार तत्परता का नियम यह कहता है कि जब तक आपके अंदर की इच्छा ना जागे तब तक आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है उनका? अभ्यास का नियम। जैसे कि आप लोग मालूम है थंडाई के मुख्य नियम का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम को देख लेते हैं विस्तृत रूप से क्या उसका अर्थ है। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई किसी वस्तु को बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सफलतापूर्वक करना सीख लेते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं दोस्तों। इस नियम को दो उपनियम भी हैं दोस्तों। चलिए उसके दो उपनियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है उपयोग का नियम, यह नियम पुनरावृत्ति पर आधारित है। दूसरा नियम है अनुप्रयोग का नियम, यह नियम विस्मृति पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसके लिए भी मैंने एक उदाहरण दिया होता दोस्तों। जैसे कि उदाहरण क्या है, जैसे कि कबीर का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ित होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों जैसे कि प्रयास करते करते ही क्या होता है, किसी चीज़ का पुनरावृत्ति होती है जिसके कारण वो आपके मन मस्तिष्क में बना रहता है, यानी स्मृति में आपके टिका रहता है, बना रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग मुख्य नियम के आखिरी नियम को देख लेते हैं। मुख्य नियम का आखिरी नियम क्या था? प्रभाव का नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रभाव का नियम क्या था उनका? चलिए इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से देख लेते हैं। प्रभाव का नियम दिया गया था थंडाई के द्वारा, जो कि उनके मुख्य नियम का तीसरा नियम था। इस नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने के में प्राणी को मुख्य सुख संतोष मिलता है उस कार्य को बार बार करना चाहता है, और उसके विपरीत जिस कार्य को करने से उसे दुख और असंतोष मिलता है उसे वह दोबारा नहीं करना चाहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रभाव का नियम कहते हैं। यानी कि जिस कार्य से हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है उसे हम लोग बार बार करना चाहते हैं, और जिससे हम लोग को दुख और असंतोष की प्राप्ति होती है उस कार्य को कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता दोस्तों। ये किस पर आधारित है दोस्तों? प्रभाव के नियम पर आधारित है। जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है हम उसके अनुसार कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए आइए हम लोग देखते हैं थंडाई के द्वारा दिए गए। चलिए दोस्तों हम लोग अब गौण नियम को देख लेते हैं। थंडाई के द्वारा दिए गए कुछ 5 गौण नियम थे दोस्तों।
और नियमों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया के नियम को हम लोग विस्तृत रूप से देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करता है और इन प्रतिक्रियाओं को करने के का क्रम तब तक जारी रहता है दोस्तों जब तक वह सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या सफलता प्राप्त नहीं कर लेता है या प्राप्त नहीं हो जाती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है दोस्तों। यानी कि बार बार कार्य करने से ही किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नियम क्या है। मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम देख लेते हैं हम लोग क्या दोस्तों। इस नियम को मानवीय विन्यास का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी के अनुपात में हम आपको सीखते हैं उसी के अनुपात में आपको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह हम उसे करने में असफल हो जाते हैं या उसमें अनेक प्रकार के त्रुटियां करते हैं या बहुत विलंबता से करते हैं दोस्तों। यानी कि किसी कार्य करने के लिए पहले आपकी मनोवृत्ति तैयार होनी चाहिए यानी पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है दोस्तों यानी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। चलिए दूसरा तीसरा नियम देख लेते हैं हम लोग आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है दोस्तों। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करके कार्य को सरलता से या सुविधाजनक बना दिया जाता है तथा इन भागों को शीघ्रता एवं सुगमता से करने करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत आधारित है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सहरस्य अनुक्रिया का नियम। स्पष्ट अनुक्रिया का नियम है दोस्तों। सॉरी स्पष्ट अनुक्रिया का नियम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं विस्तृत रूप से। इस नियम को आत्मीकरण का नियम या समानता का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। इस नियम पूर्व अनुभव पर यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिस पर वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेता है। यानी जो प्राणी को जिस समस्या से पहले सामना कर चुका है जिस समस्या का पहले सामना कर चुका है कोई नई समस्या आती है तो उसे उससे संबंधित करके उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों आखिरी नियम क्या है। सहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार सहचर्य परिवर्तन का नियम गौण नियम का आखिरी नियम है दोस्तों। चलिए देखते हैं इस नियम का विस्तृत रूप क्या है। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे को उद्दीपक से भी होने लगती है यानी किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है दोस्तों। अगर इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं तो पहले की गई गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला गया है कि इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तथा ठंडा इस नियम में ठंडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को सहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हो गया ठंडाइक द्वारा दिए गए सीखने का नियम का एक विस्तृत रूप। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस नियम का शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शैक्षिक महत्व बताइए ठंडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियम के। चलिए आइए हम लोग देखते हैं शैक्षिक महत्व क्या है। पहला है अनुभव से लाभ उठाना यानी कि जो हमें पहले अनुभव है हम आने वाले की समस्या का उसमें समाधान के रूप में लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है निरंतर प्रयास करना यानी कि हमको निरंतर प्रयास करते रहते किसी ना किसी तरीके से समस्या का समाधान मिल जाता है। तीसरा है दोस्तों अभ्यास की प्रक्रिया पर आधारित यानी हम लोग को किसी भी ज्ञान को पुनरावृत्ति के लिए बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। चौथा है दोस्तों असफलता से सफलता की ओर जैसे किसी कार्य को करते हुए हमको बार बार अगर असफलता प्राप्त होती है तो उसको हम लोग करते करते किसी ना किसी समय एक बार सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चौथा है निराशा से आशा की ओर। छठवां है आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता यानी कि ऐसे करते करते जब आप किसी कार्य को कर लेते हैं जिसमें आप बहुत दिन से कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है और आप आत्मनिर्भर बनने लगते हैं दोस्तों। चलिए आखिरी हम लोग देखते हैं सातवां क्या है इसमें करके सीखना यानी किसी कार्य को कर करके ही हम लोग सीख सकते हैं। किसी कोई भी बच्चा जन्म से किसी का ज्ञानी नहीं होता यानी किसी कार्य का उसके अंदर पहले से मौजूदगी नहीं होती है।
चलिए हम लोग आखिरी देख लेते हैं, शैक्षणिक महत्व क्या है। छोटे बालकों में बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी प्रयास एवं टूटिंग के नियम द्वारा हम लोग सोचे बालकों की बात करते हैं तो उनको एक विशेष महत्व से यानी विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा यह सिद्धांत। चलिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर का एक सारांश बता दिया है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। चलिए बहु आए दोस्तों, इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए एक कुछ क्वेश्चन नंबर वन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है दोस्तों, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? थाइंडाइक है दोस्तों, थाइंडाइक ऑप्शन नंबर एक सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम से संबंधित नियम किससे संबंधित है? अधिगम द्वारा दिया गया संबंधित नियम किसने दिया था दोस्तों? सबको पता है, थाइंडाइक ने दिया था दोस्तों, थाइंडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वर्धित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने में शिक्षक को सहायता करता है दोस्तों? शिक्षक कौन सा व्यवहार सहायता करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सहायता करता है शिक्षक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक के लिए कौन सा कथन दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्येक बच्चा सीखता है। यानी प्रत्येक बच्चा क्या करता है दोस्तों? सीखता है। अध्यापक की दृष्टि में अध्यापक को ये होना चाहिए कि उसका उसके द्वारा पढ़ाए गए सारे बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे को ज्ञानार्जन हो यानी वो सीखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक कौन सा है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। संचार के साधन, अध्यापक, समन्वय समूह एवं परिपक्वता एवं आयु। यानी ऑप्शन नंबर फोर डी सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अधिगम निर्योगता लक्षण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, ये क्या है? अधिगम निर्योगता लक्षण कहा जाते हैं दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, कब होना चाहिए दोस्तों? केवल उन छात्रों के लिए जो अच्छा स्तर पर है, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को सीख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए समाचार पत्र के लिए सीखना चाहते हैं, या सभी के लिए? यानी कि सभी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं दोस्तों? सीखने के लिए कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं दोस्तों? आइए देख लेते हैं हम लोग। शिक्षक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सॉरी शिक्षार्थी का प्रेरणा एवं उपलब्धि का अभिषेक स्तर स्तर और उत्सुकता एवं इच्छा शक्ति, या उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के लिए डैश होना चाहिए, डैश होना चाहिए हम लोग को, खाली स्थान को भरना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य, दूसरा ऑप्शन है सभी पट्टियों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, तीसरा है शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, चौथा है समुचित उपचारात्मक कार्य। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? चलिए करके देख लेते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का प्रस्तुति, अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, या उपरोक्त में सभी? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मैंने एक चैप्टर थंडाइक द्वारा प्रयास और त्रुटि के चैप्टर को आपको समझाया है, जिसमें थंडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए थे। हमारी ये कामना रहे कि दोस्तों आप सरकारी टीचर बने और आप सरकारी स्कूल में एक सरकारी सीट अपनी पक्की करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक बटन को दबाएँ और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। जय भारत।